नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के स्पेशल वीडियो के अंदर में। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये वीडियो बहुत सोच समझ के आपकी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख के बना रहा हूँ। आप सबसे पहले मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा जरूरी स्टॉक मार्केट में क्या है। सबसे ज्यादा जरूरी है स्टॉक सिलेक्शन। जी हाँ, स्टॉक सिलेक्शन। अगर स्टॉक सिलेक्शन ही नहीं करना आता है, कौन से स्टॉक में काम करना है, तो कैसे आप ट्रेड करेंगे, कैसे आप इंट्राडे करेंगे, कैसे उसे पोजिशनल करेंगे। तो सब चीज़ों के पीछे जो मेन प्रॉब्लम रहती है वो है, रहती है स्टॉक सिलेक्शन की। तो सही स्टॉक सिलेक्शन के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, सबके अपने अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, सबके अपने अपने स्टाइल्स होते हैं, अपने अपने सेटअप्स होते हैं। जो सेटअप मेरा है, जिसमें से मैं स्टॉक्स निकालने की कोशिश करता हूँ, जहाँ पे मंथली ब्रेकआउट में ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो मंथली ब्रेकआउट में चल रहे हैं। मंथली में, डेली में, अगर आपको ब्रेकआउट स्टॉक्स मिल जाए, जो अप ट्रेंड के स्टॉक्स हैं, अगर आप उनको सही से एनालिसिस करके ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, तो आपके ट्रेड बहुत अच्छे जा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं किसी भी स्टॉक में बाइंग सेलिंग की एडवाइस आपको नहीं दे रहा हूं। प्लीज, ये एजुकेशन लर्निंग का वीडियो है, तो अपनी एनालिसिस करके ही ट्रेड लें। मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगा कि मैंने इसके लिए charting.com को यूज कर रहा हूं स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए, ओनली फॉर दी स्टॉक सिलेक्शन। जो चार्टिंग पे स्कैनर बनाना जानते हैं वो वीडियो को छोड़ सकते हैं, पर अगर आपको ये स्कैनर चाहिए तो इसके लिए आपको सबसे पहला एक काम करना होगा। आपको हमारे नंबर पे, जी हां, हमारे नंबर पे 7827286174 जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप उस पे मैसेज करेंगे अपना नाम, अपनी स्टेट, और आप लिख देंगे कि आपको मंथली ब्रेकआउट का स्कैनर चाहिए। जी हाँ, ये मंथली ब्रेकआउट, वीकली, डेली है, मतलब इसमें वो स्टॉक्स निकल के आएंगे जो डेली, वीकली या मंथली पे ब्रेकआउट दे रहे हैं। गाइस, जो अप ट्रेंड में है स्टॉक्स, इन तीन ट्रेंड्स में अप ट्रेंड के स्टॉक्स है, तो ऐसे ये आपको स्कैनर चाहिए, तो प्लीज आपको व्हाट्सअप करना होगा। तो इसका लिंक आपको दे दिया जाएगा, आप इसको वहां पे जाके जब इसको ओपन करेंगे तो आपको सेव एज कर सकते हैं। सेव एज पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना नाम दे सकते हैं, या इसको एज इट इज आप सेव कर सकते हैं, तो आपके यहाँ सेव हो जाएगा। प्राइवेट आप इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर पेड मेंबरशिप है तो ही आप इसको प्राइवेट कर पाएंगे, पर प्राइवेट करने की जरूरत आपको उसकी नहीं है। तो यहाँ पे दिस इज द स्कैनर। तो मंथली बहुत सारे ब्रेकआउट स्कैनर मैंने बनाए हुए हैं, बट मंथली ब्रेकआउट, वीकली स्कैनर बहुत बड़े काम करता है। चलिए इसको एक देख लेते हैं, इसे बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स देखते हैं कि क्या है। जैसे हाल फिलहाल 13 तारीख को इसने 6 स्टॉक्स हमें निकाल के दिए, जिसमें सन फार्मास्यूटिकल्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक और पावर ग्रिड। तो मतलब ये स्टॉक शायद मंथली अप ट्रेंड में है। इनको अब मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि इसने स्टॉक निकाल के दिया तो आपको ट्रेड करना ही करना है। जो भी आपका सेटअप है, जिस भी सेटअप पे आप काम करते हैं, पहले स्टॉक को सेटअप पे लेके जाइए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ रीकन्फर्मेशन हो रही है, डबल कन्फर्मेशन हो रही है, तो आप ट्रेड ले सकते हैं, पोजीशंस बना सकते हैं। ये स्टॉक्स बिल्कुल भी इंट्राडे के लिए नहीं है, बट यू नेवर नो, कोई भी स्टॉक आपको ऐसे बॉटम पे मिल सकता है जो कभी भी ब्रेकआउट दे सकता है ना। तो अपनी स्टडी को जब इसके साथ इन्वॉल्व कर लेंगे तो मेरे हिसाब से आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। यहाँ पे सन फार्मास्यूटिकल्स के अगर चार्ट को देखने की कोशिश करें, चलिए सन फार्मा का चार्ट लगाता हूँ। ये ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म है, अगर आपको भी ज़ीरोधा में अकाउंट खोलना है या किसी भी डिस्काउंट ब्रोकिंग में अकाउंट खोलना है, जो देश की सबसे बड़ी ब्रोकिंग कंपनीज हैं, जिसमें से मास्टर ट्रस्ट, ज़ीरोधा, अपस्टॉक, सबके लिंक मैंने वीडियो में दिए हैं। और अगर आप हमारे ही दिए गए लिंक से अकाउंट खोल के वहाँ पे एक्टिव होते हैं, वहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, तो और आप हमें उसको इंटीमेट करते हैं, तो आपको मेरा ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर का एक्सेस बिल्कुल फ्री मिलता है। मास्टर ट्रस्ट में अकाउंट खोलने में 2 महीने का फ्री एक्सेस मिलता है आपको पहली बार में, और बाकी सब जगह आपको एक महीने का एक्सेस मिलता है। तो सन फार्मा का चार्ट मैंने लगा रहा हूँ, सन फार्मा को देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, सन फार्मा मंथली अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड कैसे कहते हैं आपको बहुत क्लियरली आपको मालूम ही होगा। आपको समझा दूं कि जिन लोगों को मालूम है बहुत अच्छी बात है, इनको नहीं मालूम बता दूं कि जैसे ये डेली है, देखिए जब एक स्टॉक हायर हाई और हायर लो के पैटर्न में जब चलता है तो वो अप ट्रेंड में होता है। डेली में ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। अगर वीकली में देखें तो वीकली में भी ये स्टॉक अप ट्रेंड में आपको दिखाई दे रहा है बहुत ही क्लियरली। वैसे ही अगर इसको मंथली में देखने की कोशिश करें तो मंथली में भी ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड के अंदर में है। तो गाइज, ये वो स्कैनर है जो लोग पोजिशनल चाहते हैं, ऐसे स्टॉक ढूंढना चाहते हैं जो बिल्कुल सीरियसली एकदम अप ट्रेंड के अंदर में हो, तो आपके लिए ये स्कैनर बहुत ही काम आने वाला है। दूसरा स्टॉक इसने निकाला महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा को चेक करते हैं, क्या महिंद्रा महिंद्रा में कोई अप ट्रेंड है। जिस स्टॉक में आपको लगे अप ट्रेंड है उसी में काम कीजिएगा, इसमें लगे नहीं है छोड़ दीजिएगा। मंथली ये स्टॉक काफी दिनों से अप ट्रेंड में है, आप देख सकते हैं इसका ट्रेंड अप में ही चल रहा है। अब इसको अगर मंथली से वीकली में देखने की कोशिश करें तो वीकली में भी ये स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर ही है। देखिए, वीकली में भी ये अप ट्रेंड के अंदर ही है। तो अभी यहाँ थोड़ी सी करेक्शन चालू हुई है, बट पिछले कम से कम 5-6 वीक से ये स्टॉक अगर दोबारा देखें तो यहाँ से फिर से ये अप ट्रेंड में स्टॉक आ चुका है। तो जब ये इस लेवल को क्रॉस करेगा, 900 के लेवल के ऊपर चलेगा, तो इसमें और अच्छा खासा ब्रेकआउट आ सकता है। वहीं मंथली में, डेली में, हर जगह में ये स्टॉक अप ट्रेंड में ही दिख रहा है। डेली में भी अगर आप देखेंगे तो डेली में भी ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया डेली चार्ट पे भी अप ट्रेंड में है। तो गाइस, ऐसे स्टॉक सिलेक्शन करना, ऐसे स्टॉक फाइंड आउट करना सबकी मन की बात होती है। सब चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट
मार्केट से पैसा बने, बट पैसा कौन निकाल के देगा? पैसा निकाल के देगा आपका सही स्टॉक सिलेक्शन। तो स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए अगर आप चाहते हैं स्कैनर को, तो प्लीज आज ही अभी मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा, अपना नाम लिखना होगा, अपनी सिटी लिखनी होगी आप कहाँ से हैं, और लिखना होगा कि हाँ आपको भी ये स्कैनर चाहिए, तो आपका इसका लिंक आपको व्हाट्सएप पे ही शेयर कर दिया जाएगा। जैसे ही उसको आप क्लिक करेंगे तो चार्टिंग पे अपना एक लॉगिन आईडी बना लीजिएगा, और जब उस स्कैनर को रन करेंगे उसको खाली आपको सेव स्कैन करना है, वो आपको आपके डैशबोर्ड में वो स्कैन सेव हो जाएगा, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो भाई आई होप ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। दो दिन तीन दिन की छुट्टी है, इनफैक्ट आज समय चार दिन की छुट्टी है, मंडे को मार्केट खुलने वाली है, तो इन चार दिन के अंदर में बहुत सारे स्टॉक्स की बैक टेस्टिंग कीजिए। देखिए बैक टेस्टिंग पे बैक रिजल्ट्स पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताएगा डेली कितने स्टॉक्स निकल के आते हैं। फॉर एग्जांपल 13 तारीख को कुछ स्टॉक्स निकले, 12 तारीख पे क्लिक करके देखिए क्या क्या स्टॉक्स निकला, लार्ज कैप के सभी स्टॉक्स निकाल के दिए इसने। अच्छा, इसको स्कैनर पे यूज़ करने का तरीका क्या है? निफ्टी 50 के स्टॉक्स ढूंढेंगे तो लार्ज कैप ही होंगे, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं बैंक निफ्टी के स्टॉक्स। अगर बैंक निफ्टी के कोई स्टॉक्स हैं क्या, बैंक निफ्टी का कोई स्टॉक निकाला? जी हाँ, बैंक निफ्टी के स्टॉक्स को भी इन्होंने स्कैन किया है। यू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, हर स्टॉक को आप एनालिसिस कर सकते हैं बैंक निफ्टी के। अगर आप चाहते हैं मिड कैप के स्टॉक्स तो मिड कैप 50 पे जाइए, रन स्कैन कीजिए, मिड कैप से स्टॉक्स निकाल के देगा। अगर आपको चाहिए कि नहीं, इसके अलावा अगर आपको निफ्टी 100 के स्टॉक्स चाहिए, निफ्टी 100 ढूंढ सकते हैं, निफ्टी 500 ढूंढ सकते हैं, या अपनी भी एक वॉच लिस्ट बना सकते हैं कि जिन स्टॉक्स में जब ब्रेकआउट हो रहा है उसी में ही आपको काम करना है। तो दिस इज वंडर वंडरफुल टूल गाइस, क्योंकि देखिए कोई भी लड़ाई करते हैं आप, तो लड़ाई में जब तक आपके पास हथियार नहीं होते, टूल्स नहीं होते, वेपन्स नहीं होते, यू कैनॉट फाइट एनी वॉर, एंड स्टॉक मार्केट इज नो लेस देन अ वॉर। ये फाइनेंशियल वॉर है, ये वॉर हमारे दिमाग में चलती है। एक गलत ट्रेड हमारी पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब कर देता है, हमारी लाइफ डिस्टर्ब कर देता है, और हमें स्टॉक मार्केट पे हमारा जो बिलीफ है उसको एकदम शैटर कर देता है, हमें लगता नहीं ये जुआ है। नहीं दोस्तों, ये जुआ नहीं है जब तक आप एक सही सेटअप और सही टूल्स के साथ काम नहीं करते। उसमें वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक अनाउंसमेंट दे दूं कि 24 अप्रैल को हमारी दिल्ली की मास्टर क्लास है, जहां हम टेक्निकल एनालिसिस का प्रोफेशनल वर्जन देखने वाले हैं। जहां पर एक प्रोफेशनल कैसे सोचता है, कैसे काम किया जाता है, स्टॉक सिलेक्शन करने के बाद क्या किया जाए, उसके ऊपर कौन से पैटर्न्स को लगाया जाए, लगाया भी जाए या नहीं लगाया जाए, डेटा एनालिसिस कैसे किया जाए, ऑप्शन चेन का एनालिसिस कैसे किया जाए, इन सब चीज़ों को क्लब कैसे किया जाए, एक प्रोफेशनल स्टडी क्या होती है, प्रोफेशनल अप्रोच क्या होती है। मास्टर क्लास का मतलब है यू विल बी मेड अ मास्टर आउट ऑफ क्लास। आप एक मास्टर की तरह, एक प्रोफेशनल की तरह सोच लेंगे इस क्लास के बारे में। सो बुकिंग्स आर ऑन, आप दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी क्लासेस को आज ही बुक कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक प्रेस करके ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करना है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।